बहुत ही ईमानदार अते सच्ची सुची शख्सियत दे मालिक श्री चमन लाल अग्रवाल पिछले दिनी अपने स्वासां दी पूंजी नूं खर्चदे हुए परमात्मा दे चरणां विच जा बिराजे। श्री चमन लाल अग्रवाल हुणां दा जन्म 17 दिसंबर 1932 नूं जाने माने परिवार श्याम लाल रामनाथ हुणां दे घर होया। मुढली सिक्ख्या पूरी करन उपरंत आप जी ने अपने भरा भगत राम नाल मिल के कपड़े दा कारोबार फैंसी क्लोथ स्टोर दे नाम नाल शुरू किया। आप जी बहुत ही गलकार मिठ बोलड़े सुभा दे मालक अते हमेशा ही हर कम अगलेरियां कतारां विच रह के करिया करदे सन। इसे सदका ही हौली हौली आप जी राजनीति विच चले गए अते लगातार 20 साल एमसी रहे। एमसी दी ड्यूटी आप जी ने पूरी ईमानदारी ते तनदेही नाल निभाई। आप जी अपने काम विच सख्त मेहनत करदे अते आप जी ने अपने कार्यकाल दौरान अपने वार्ड दा बहुत विकास कीता। राज सभा दे मेंबर सरदार शमशेर सिंह दुल्लो हुणां नाल आप जी दे भरावां वर्गे संबंध सन। आप जी दे अणथक यत्ना सदका ही सरदार शमशेर सिंह दुल्लो खन्ना नगर कौंसल दे प्रधान दे औहदे ते रहे। आप जी अपने अंतले समय तक राजनीति विच वी ते हर काम विच एक्टिव रहे। श्री चमन लाल अग्रवाल परमात्मा दे घर प्रति सच्चे श्रद्धावान सन अते परमात्मा दे घर दी सेवा आप जी हमेशा ही तनो मनो अते तनो करिया करदे सन। आप जी गरीबां ते दीन दुखियां दे मसीहा सन अते हर समय लोड़वंदां दी सहायता लई तत्पर रहंदे सन। जिथे आप जी राजनीति विच बहुत ही एक्टिव सन उथे ही आप जी ने अपनियां परिवारिक जिम्मेदारियां नूं वी बाखूबी निभाया। आप जी ने अपने बच्चियां नूं पढ़ाया लिखाया अते समाज दे चंगे नागरिक बनाया। अज आप जी दे दोवें बेटे अते बेटियां आपो अपने खेतरां विच अपने पिता जी दे नाम नूं उच्चियां चुक रहियां हन। ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਅਗਰਵਾਲ, ਵਿਨੋਦ ਅਗਰਵਾਲ, ਲਲਿਤ ਅਗਰਵਾਲ, ਅਮਰੀਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ, ਸ਼ਿਵਮ ਅਗਰਵਾਲ, ਕੇਤਵ, ਅਭੀਰ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਿਵ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮਗੜੀਆ ਭਵਨ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਖੰਨਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। पिता मेरे भगवान मेरी दुनिया कर वीरा परिवार श्रद्धा समर्पित कर रहा है।
कि जीवन में जो भी आपने संस्कार दिए हैं, जो प्यार आपने दिया है, वो अपने हृदय में सदा हम संजोए रखेंगे, याद रखेंगे। भाव है पिता के चरणों में, मीठी श्रद्धांजलि है। नैने भाव समय बनेगा, गुण आपसे सीखा है, सिखलाया आपने ही जीने का सलीका है। कि मां जिया किसी का प्यार नहीं, ते प्यो जिया कोई मददगार नहीं। जो प्यार मां देती है, जो मदद पिता देता है, संसार में कोई नहीं दे सकता। इसलिए आज बच्चों का भाव है पिता के चरणों में। मैंने भाव समय बनेगा, गुण आपसे सीखा है, सिखलाया आपने ही जीने का सलीका है। अभी और सिखाना था, ऐसे तो न जाना था, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। मेरे पिता मेरे भगवान, मेरी दुनिया कर वीरान, कहाँ तुम चले श्वास भी लिए। पुत्रों ने, समस्त परिवार ने अपने हाथों से दाह संस्कार भी किया, परंतु जो पिता का प्यार है वो इस बात को नहीं मान रहा कि पिता हमारे बीच में नहीं। इसलिए अरदास है, प्रार्थना है पिता के चरणों में कि आपकी जो मीठी यादें हैं, जो मीठा प्यार है, वो इस बात को नहीं मान रहा कि आप हमारे बीच में नहीं। भाव है पिता के श्री चरणों में, क्यों आपके होने का एहसास आज भी है, आओगे लौट के तुम, विश्वास आज भी है। क्यों आपके होने का एहसास आज भी है, आओगे लौट के तुम, विश्वास आज भी है। मेरी दुनिया की सरकार, आ जाओ लौट के आज, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए, के हाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। सबके एहसान चुकाए जा सकते हैं, सबके कर्जे चुकाए जा सकते हैं, लेकिन माता पिता का एहसान, माता पिता का कर्जा नहीं चुकाया जा सकता।
बेटा चाहे अपने शरीर के चमड़े के जूते भी बनाकर माँ बाप को पहना दे, फिर भी उनके कर्जे से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए बच्चन को जब बचपन की पुरानी याद आती है, पिता का प्यार माँ की मेहरबानी याद आती है, पिता का प्यार माँ की मेहरबानी याद आती है। समस्त परिवार नतमस्तक होकर यही कह रहा है, पिताजी आप तो नहीं आएंगे, क्योंकि जो गुजर जाते हैं वो जमाने नहीं आते। शारीरिक रूप से आप हमसे जुदा हुए हैं, आत्मिक रूप से नहीं, आत्मिक रूप से आज भी आप हमारे पास हैं। शारीरिक नाता समाप्त होता है, आत्मिक नाता नहीं, आत्मिक नाता आज भी उसी तरह बना हुआ है। वो हमारे पास बैठे हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, देख रहे हैं। जो गुजर जाते हैं वो जमाने नहीं आते, लोग नए तो आते हैं पुराने नहीं आते। जो गुजर जाते हैं वो जमाने नहीं आते, लोग नए तो आते हैं पुराने नहीं आते। लकड़ी के मकान में दिया मत जलाना, लकड़ी के मकान में दिया मत जलाना। लोग जलाने तो आते हैं, बुझाने नहीं आते। जो गुजर जाते हैं वो जमाने नहीं आते, लोग नए तो आते हैं पुराने नहीं आते। उनकी मीठी यादें, उनका प्यार, उनके दिए हुए अच्छे संस्कार विचार हमेशा हम सब के हृदय में रहेंगे। ये अग्रवाल परिवार पूज्य पिताजी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए यही निवेदन कर रहा है कि चरणों में आपके हो शत शत प्रणाम हमारा, चरणों में आपके हो शत शत प्रणाम हमारा। कभी भूल भी ना पाए एहसान जो तुम्हारा, कभी भूल भी ना पाए एहसान जो तुम्हारा। प्रवीण जी, विनोद जी, बेटी मीना, नीलम जी के भाव हैं कि उंगली पकड़ के आपने चलना हमें सिखाया। वो बचपन के दिन याद आ रहे हैं, उंगली पकड़ के आपने चलना हमें सिखाया। गर गिर पड़े तो दौड़ के था आपने उठाया, गर गिर पड़े तो दौड़ के था आपने उठाया। लेते रहे सदाई हम आपका सहारा। पिता का साया अगर चला जाए, एक काम करना हो 100 लोगों से पूछना पड़ता है कैसे करें। पिता का साया एक ऐसा साया है, इसलिए पिताजी ये काम कैसे करें, बड़ी जल्दी अपना तजर्बा अनुभव हमें दे देते। लेते रहे सदाई हम आपका सहारा, लेते रहे सदाई हम आपका सहारा। चरणों में आपके हो शत शत प्रणाम हमारा, कभी भूल भी ना पाए एहसान जो तुम्हारा, कभी भूल भी ना पाए एहसान जो तुम्हारा। सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा के चरणारविंद में हम सब परिवार नतमस्तक होकर पूज्य पिताजी यही अरदास कर रहे हैं, यही प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु वास दे चरण में, अरदास है हमारी। प्रभु वास दे चरण में, अरदास है हमारी। प्रार्थना में बड़ी शक्ति है, अरदास के अंदर
ताकत है। फर्श के ऊपर बैठकर की हुई फरियाद ऊपर अर्श को हिला देती है। जमीन आसमान में कितना फासला है, कितने मीलों का फासला है, मगर फर्श के ऊपर बैठकर की हुई फरियाद अर्श को हिला देती है। इसलिए दुआ की जाती है, प्रार्थना की जाती है कि प्रभु वास दे चरण में, अरदास है हमारी। प्रभु वास दे चरण में, अरदास है हमारी। कभी दिल से भी ना जाए जो याद है तुम्हारा। सब कुछ भूलो, माँ बाप को कभी ना भूलो। ये तो फरिश्ते हैं, माता पिता तो एक फरिश्ते की तरह दुनिया में आते हैं। इंसान जब दुनिया में आने लगता है, भगवान से कहता है यहाँ गर्भ में आपने हमारा पालन किया, सिर नीचे पैर ऊपर, गंदगी के अंदर कीड़ों ने हमको काटा, आपने हमारी रक्षा की। हम संसार में जा रहे हैं, कौन हमारी रक्षा करेगा? भगवान कहते हैं कि मैं जगत पिता हूँ, मैंने इसका भी प्रबंध किया है। तेरे जाने से पहले दो फरिश्ते भेज दिए हैं, वो दो फरिश्ते कौन से हैं? माता और पिता। ये प्रत्यक्ष देवता है, सूरज भगवान प्रत्यक्ष देवता है, अग्नि देव प्रत्यक्ष देवता है, बाकी के देवता तो पता नहीं हमें कब दर्शन दे, माता पिता प्रत्यक्ष देवता है। तो प्रवीण जी ने, विनोद जी ने, पुत्र वधु ने, सुनीता जी, डाली जी ने, समस्त बेटी दामाद पौत्र सब ने और पिता को भगवान की तरह माना। आज उनका आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहे, उनकी फुलवाड़ी फलती रहे, फूलती रहे, महकती रहे। ये अरदास की जा रही है कि प्रभु वास दे चरण में, अरदास है हमारी। प्रभु वास दे चरण में, अरदास है हमारी। कभी दिल से भी न जाए जो याद है तुम्हारी। कभी दिल से भी न जाए जो याद है तुम्हारी। चरणों में सिर झुकाए परिवार आज सारा, चरणों में सिर झुकाए परिवार आज सारा। कभी भूल भी ना पाए एहसान जो तुम्हारा, चरणों में आपके हो शत शत प्रणाम। राज्यसभा मेंबर सरदार शमशेर सिंह जी दोलो, बाबूजी के बारे में जहां तक हमने सुना है कि बाबूजी बहुत ही दयालु इंसान थे, समाज सेवा में जब अपने समय में वो इस शहर की म्यूनिसिपल कमेटी के मेंबर हुआ करते थे तो उनका नाम बहुत ही उच्च कोटि के उन महान भावों में लिया जाता था कि जब भी वो मीटिंग में बोलते थे तो सभी जितने भी बाकी मेंबर थे वो बहुत ही ध्यान से उनको सुनते थे और उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते थे। तो आइए, सबसे पहले मैं आप सभी का यहाँ पहुँचने पर परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और वैसे तो शहर से सभी धार्मिक सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि यहाँ पहुँचे हुए हैं, बहुत सी संस्थाओं के हमारे पास शोक प्रस्ताव भी आए हैं, उनके नाम मैं बाद में लूंगा। सब प्रथम मैं प्रार्थना करूंगा हमारे बहुत ही आदरणीय श्री एस के गुप्ता जी से कि वो बाबू चमनलाल जी को अपनी श्रद्धा के फूल भेंट करें। आप सबका बाबू चमनलाल अग्रवाल जी, जो हमारे बहुत ही आदरणीय और पूजनीय हैं, उनकी श्रद्धांजलि सभा में आप सब पधारे हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद
और आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस परिवार से बचपन से मेरा इस परिवार से संबंध है। मैं मेरी जवानी भी इनके हाथों ही गुजरी है। आज मेरे ख्याल है 60-65 साल से मेरा इस परिवार के संबंध है। मैं वैसे तो ऐसी शख्सियत को श्रद्धांजलि देना सूर्य को दिया दिखाने के बराबर है, परंतु फिर भी आप कहोगे कि आपने ये बात कही। मैं ये बात इसलिए कही क्योंकि मैंने इनको बहुत नज़दीक से देखा है। क्यों? इन्होंने एज एमसी समाज की इतनी सेवा की है जो खन्ना में एक मिसाल है। इनके भाई लाला भगत राम जी जब उनके साथ ये कपड़े की दुकान में थे, इनके सामने म्यूनिसिपल कमेटी का ऑफिस होता था। ये अपने वार्ड की तो सेवा करते ही करते थे, शहर का कोई भी व्यक्ति इनके पास आ जाता था, उसके साथ जाकर ये म्यूनिसिपल कमेटी में उसका काम करवाते थे। आज भी शहर का खन्ना का बच्चा बच्चा इनको जानता है और ये भी शहर के सभी बच्चों को, बुजुर्गों को, माताओं बहनों में इतने पॉपुलर थे कि सभी लाला चमन लाल जी को ये कहते थे कि ये खन्ने का मसीहा है। इसके साथ मैं एक और बात कहना जरूर चाहूंगा कि इनकी धर्म पत्नी श्रीमती मूर्ति देवी, जो वाकई देवी की मूर्ति थी, उन्होंने इनका इतना साथ दिया और इनकी ईमानदारी और इनकी हार्ड वर्किंग की वजह से उनको म्यूनिसिपल कमेटी का एमसी नॉमिनेट किया गया। ये एक बहुत बड़ी बात है कि दोनों पति पत्नी म्यूनिसिपल कमेटी में उन्होंने आगे इतनी सेवा की हो। और इन्होंने शहर के अलावा अपने और जो सामाजिक संस्था थी उनकी बड़ी सेवा की है। मैं आप सबको ये बात बता रहा था कि इनकी धर्म पत्नी श्रीमती मूर्ति देवी जी, जो वाकई देवी की मूर्ति थी, उनको गवर्नमेंट ने इसलिए नॉमिनेट किया क्योंकि लाला चमन लाल जी बहुत ही ईमानदार और हार्ड वर्किंग म्यूनिसिपल काउंसिल थे और उन्होंने समाज की बहुत सेवा की। विकास मेहता जी भी अब बैठे हैं यहाँ पे। इनके पिताजी मेहता साहब बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि इन्होंने खन्ना शहर के लिए क्या क्या काम किए। मैं बच्चों को, जो मेरे प्रवीण भाई साहब और विनोद जी उनके सपुत्र हैं, उनका समस्त परिवार, वो बच्चों ने भी उनकी आखिर समय में बहुत सेवा की है। 2-3 महीने से वो थोड़ा सा नशा चल रहे थे, परंतु इतने हठी थे, वो अपना काम खुद करते थे, इनको भी कभी परेशान नहीं किया। और हमारे भाभी जी सुनीता जी ने, डॉली जी ने, बच्चों ने, पोतों ने, अमरीश जी ने, शिवम ने, सब ने उनकी बहुत सेवा की। और हमें इस बात की बहुत खुशी है कि लाला जी 88 साल की उम्र में अपनी आयु पूरी करके खुशहाल परिवार छोड़कर गए हैं और हम भगवान से दुआ करते हैं कि ये परिवार ऐसे ही तरक्की करे और उनके नक्शो कदम पर भगवान उन्हें तरक्की दे, चलता रहे। और इसके साथ मैं, जो यहाँ हमारे भाई बंधु आए हैं, सब रिश्तेदार आए हैं, दोस्त मित्र आए हैं, और उनका सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूँ। कि इसके साथ ही मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूँ। दुल्लो साहब शमशेर सिंह दुल्लो जी, मेरे को जिस दिन संस्कार था लाला जी का, उस दिन उन्होंने मेरे को बताया कि लाला जी 3 महीने से अब मेरे से थोड़ा कम बात करते थे क्योंकि कमजोरी की वजह से कम बात होती थी। 3 महीने पहले 1-2 दिन बाद उनको टेलीफोन करते थे और मुझे सुनकर ये बड़ी खुशी हुई जब उन्होंने मुझे बताया कि मुझे हमेशा वो शमशेर कह के बुलाते थे, शमशेर तेरा की हाल है। और वो इतने सबके साथ प्यार मोहब्बत बांटते थे जो एक उसकी कोई मिसाल नहीं दी जाती।
मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, मुनाल वंशज गर्ग परिवार की तरफ से, अग्रवाल समाज की तरफ से, मैं उनके चरणों में अपने श्रद्धा सुमन भेंट करता हूं और मैं परिवार से ये निवेदन करूंगा कि वो लाला जी के नक्शे कलम पर चलते हुए अपने परिवार का नाम रोशन करें। जय हिंद। एक बात मैं और बताना भूल गया आपको, भी जब भी मेरी कभी उनसे बात होती थी या किसी से भी बात होती थी तो लाला जी कभी नमस्ते राम राम नहीं कहते थे, हमेशा जय हिंद कहते थे। उनको देश से इतना प्यार था कि हमेशा जब भी बात करनी जय हिंद से शुरू करनी और जय हिंद पे खत्म करते थे। धन्यवाद। हमारे बीच परमादरणीय पूजनीय स्वामी विजय जी खाटू श्याम मंदिर की तरफ से पधारे हैं। मैं परमात्मीय गुरु महाराज के श्री चरणों में नमन करता हूँ और उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो भी दो मिनट के लिए परमादरणीय बाबू चमनलाल जी को अपनी श्रद्धा के फूल और आशीर्वाद दें। गोविंदाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय। परम पूजनीय बाबू जी अपनी सांसारिक यात्रा पूरी करके भरा पूरा परिवार छोड़कर और श्री चरणों में विलीन हो गए। हम सभी मिलकर परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने श्री चरणों में निवास दें, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। ओम शांति। इस परिवार के साथ अपना प्यार सहानुभूति प्रकट करने के लिए हमारे बीच आए हैं और अब इसी सभा में एक ऐसे इंसान को मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं जिनका पूरा समय, अपना पूरा राजनीतिक जीवन बाबू चमनलाल जी के साथ बीता। बचपन से लेकर अंत तक वो बाबू जी के साथ मिलते रहे। प्रार्थना करूंगा राज्यसभा मेंबर सरदार शमशेर सिंह जी दोनों जी से कि वो आकर चंद शब्द कहें। समय के अभाव से वैसे तो बहुत सारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने बोलने के लिए कहा है, लेकिन समय के अभाव से मैं सभी से क्षमा चाहूंगा और सरदार शमशेर सिंह जी दोनों मेंबर राज्यसभा। गुरबाणी कंते चाहे मरण दिखाए मंडल, जो भी इंसान प्राणी इस साथी के अंदर है वो अपने अकाल चलाने का समय निश्चित करके चले जाता। पता किसे क्या जाना कब मरेंगे कैसा मरेंगे किसे नहीं पता, पर जाना असी अवश्य है। उन्होंने सज्जनों उन्होंने दोस्तों जिहड़े अपने जीवन के लिए कुछ ना कुछ करके आते हैं, समाज नहीं देश नहीं परिवार नहीं तो हर कोई करता है, पर कमलाल जी कैसे इंसान सन जिम्मे सुखदेव जी ने कहा है एक बहुत मैं समझा कि अज के जमाने च आना सोना बहुत बड़ी कॉलिंग। मेरा सब मैं तकरीबन 15-16 साल तो जब मेरी उम्र थी उदो बाद और पोलिटिकल लाइफ के भी एज म्यूनसिपल कमिश्नर मैं कमलाल जी पटे रहे। मैं म्यूनसिपल कमेटी का प्रधान बनाने आए भी यही थे। इस तरह असं जीवन के दुख जरूर लगा जरूर जिंदगी दे मैं कह सकता 60 साल असी गुजारे हैं प्यार रहे हैं और मैं भी कह सकता है कि इंसान जरा मैं बाल कट सकता कोई कबल कर कटना भी थी नहीं मैं अपनी जिंदगी नहीं किसी को पाया क्योंकि मेरा प्यार है मैं घूर नहीं दिता कोई गल होनी कोई गलत उन्होंने पता लगना कि गलत हो रहा है। और ये भी कह सकता है कि मैं जी पावर रहा साइट एक्सटेशन मिनिस्टर रहा और कांग्रेस का प्रधान भी पंजाब के रहा है, पर मेरी पोजिशन का जी का दफ पैदा नहीं रहा। लोग बहुत कॉन्टैक्ट आए ने बड़े ने मेरा नाम भी देखा होगा
पैसे भी बड़े कमाए होंगे, पर कमल लाल जी एक ऐसे ऑनेस्ट आदमी जिहड़े के धार्मिक संस्थान भी विद्या के पिछेत्र भी किसी किसी गल एक अच्छा इंसान साढ़े शहर का गया। और मेरा था बहुत मेरे को ऐसे अल्फाज नहीं है कि चमन लाल जी बारे में मेरे को शब्द नहीं जेड़े मैं शब्द ना ओरी प्रेज कर सका। और यह दुख इन्ना परिवार को है बच्चों है पर बेनती करा मेरा एक बहुत अच्छा बेहतरीन एक चंगा दोस्त एक बुजुर्ग मेरे को गया, इसलिए तुम दोस्त आए हो। पर मैं इन्होंने कहूँगा अच समाज जरा सा मटीरियल हो देखते हैं अजकल पैसे भी देश है पैसे जायदाद पिछले परिवार दफाड़ा पी और माँ प्यो की सेवा भी नहीं करते अपनी ने यह बच्चों के क्योंकि मैं तो वहां दिल्ली और जो आना मिलकर जाता मेरे ना फोन से गल कर लगा। एक बार ऐसा इंसिडेंस होया छह महीने पहला कमल लाल जी का फोन आया कहना का मैं कल सा गलिया गया कि जहाँ मुड़के आया मैंने उन्हें फोन किया मैं कहा लाल जी आप कई मार के मरना जी मैं क्योंकि सा आप जो बहुत देरता थी मैं कह रही हूँ करना देखे भी इसलिए एक मैं कहाँगा कि जिन्नी ये बच्चों ने सेवा की है और पहला खास तौर से इन्होंने विरोध ने की दूसरे पर जिनी सेवा मैं नहीं देखा ये सर्वन पक्षों सेवा की है। और सानू क्या चाहिए अज असं देखते मापे रोते ने प्रॉपर्टियां ना दवा लिया और बाद मापिया को पुछते ही नहीं है जी कई मिले ही बाहर कड़ के बड़े बहा होंगे इस तरह के भी हालात है। पर जिनी सेवा इन्होंने की है मैं तो देखना बहुत बार सोसायटी के बीच कई मापे लॉस मंगते ने हालात तो दुखी पर जिनी सेवा इन्होंने की है परमात्मा जरूर इन्होंने बहुत चमन लाल का इन्हों की माता की मूर्ति थी जिन्हें सुदेश ने कहा है वो बहुत देवता देवी थी इसलिए जीवन साथी भी एक कर्म वाले चंगे मिले। मैं ज्यादा कुछ ना कहना बड़ा दुख है बच्चों भी मैं कह नहीं कह सकता भाई कमल लाल खा नहीं सकता मैं हाथ है हमेशा अगे भी थोड़े ना रखना है वो की करा धन्यवाद जय सरदार दर्शन सिंह जी बराग MLA बागा पुराना वो भी इस शोक सभा में उपस्थित हुए हैं। मैं अपनी तरफ से परिवार की तरफ से इनका भी धन्यवाद करता हूं। जैसे मैं कह रहा था कि मेरी जहां तक निगाह जा रही है शहर की सभी धार्मिक सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि यहां पहुंचे हुए हैं। समय की कमी जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था बाकी संस्थाओं के शोक प्रस्ताव हमें मिले हैं उनमें बाबा विश्वकर्मा रामगढ़िया आरपी मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल खन्ना राधा वाटिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल खन्ना श्री राजकुमार जी सान्यालिया पूजा एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट द पंजाब ब्रिक कैनन ओनर्स एसोसिएशन लुधियाना डिस्ट्रिक्ट ब्रिक एंड ओनर एसोसिएशन रजिस्टर्ड श्री परमहंस संत आश्रम गौसुदी खुही उनकी तरफ से परमादनीय वंदनीय पूजनीय गुरुदेव आज किसी कारणवश नहीं आ सके उनको कहीं जरूरी संतों के आश्रम के प्रोग्राम में जाना था क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं बाबू चमन लाल जी ने अपने दोनों जो बेटे हैं विनोद जी प्रवीण जी इनको इतना धार्मिक जीवन दिया है कि बाबू विनोद जी की तरफ से श्री परमहंस संत आश्रम गौसुदी खुही की तरफ से जो गौ सेवा के लिए गौ रोकथाम की स्थापना की गई है उसमें इस परिवार का बहुत सहयोग है। वैसे तो विनोद जी और प्रवीण जी सभी आश्रमों से मंदिरों से जुड़े हुए हैं लेकिन विशेष तौर पर परमादनीय गुरुदेव की इन पर अपार कृपा है और मैं गुरु महाराज जी के श्री चरणों में यही प्रार्थना करता हूं कि ऐसे ही इनको अपने चरणों में लगाए रखें उनकी तरफ से भी विशेष शोक प्रस्ताव।
श्रद्धांजलि कविता गुप्ता, म्यूनिसिपल काउंसलर हरीश गुप्ता जी जो कि इंचार्ज हैं दैनिक सवेरा के, उनकी तरफ से भी शोक प्रस्ताव आया है। भारतीय जनता पार्टी खन्ना मंडल, उनकी तरफ से भी शोक प्रस्ताव। शिव मंदिर उगा माड़ी सभा खन्ना, कांचन फील खन्ना, श्री गोवर्धन गौशाला खन्ना, श्री गोविंद गौशाला प्रबंधक कमेटी मलेरकोटला रोड खन्ना, एएस हाई स्कूल खन्ना ट्रस्ट एंड मैनेजमेंट सोसाइटी, एएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल, द फतेहगढ़ साहिब ब्रिकलेन ओनर्स एसोसिएशन, एकता में शक्ति है संस्था खन्ना, शिव कामत सेवा संघ खन्ना, सती माता मंदिर मुनार वंशीज गर्ग, श्री एस के गुप्ता जी PLLB एडवोकेट, फ्रेंड्स क्लब खन्ना, इन सभी संस्थाओं के हमारे पास शोक प्रस्ताव पहुंचे हैं। श्री अश्विनी शर्मा जी प्रधान ब्लॉक कांग्रेस जिला कांग्रेस कमेटी, उनकी तरफ से भी श्रद्धा के फूल हमारे बीच पहुंचे हैं। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। अब मैं प्रार्थना करूंगा सरदार दर्शन सिंह जी बराड़ MLA बागा पुराना परिवार की तरफ से आप सभी का धन्यवाद। पंडित जी अज आप बहुत सत्कार जो श्री जीवन लाल जी XMC जी अंतिम अरदास शामिल होने वास्ते उन्होंने परिवार को सब का धन्यवाद करते हुए, मेरा भी इस परिवार का बहुत लंबा अरसे तो वाह पिया जो मैं 1992 जिओन टू रहा बेटा इस परिवार के बेटे का रिश्तेदारी आन जान भी सी बापू जी मिले कई मेरी बच्चे ही मिले जी इतने गल की गई है सदेश सकत्र वालों कि बहुत धार्मिक परिवार है। ये गल ठीक की गई है कि बहुत धार्मिक परिवार है जिससे इन्होंने बच्चों ने परिवार तरक्की की है, वह परमात्मा की कृपा तरक्की वही परिवार कर सकता है जो दान फुल भी करे परमात्मा नाम भी जपे परमात्मा डर के भी रहे और जिनी भी सेवा कर सकता है समाज की उन्नी करे उन्हें चंगा होंगे। कई लोग मैं देखते हैं बड़े बड़े शाहूकार होंगे पैसे होंगे पैसा खर्च नहीं कर सकते, यह भी परमात्मा वालों यह हिस्से होगा खर्च करना भी दान करना भी यह भी कोई जरूरत दान कर सकता। जिस तरह एक परिवार ने दान किया लोगों की सेवा की गौं सेवा की यह इंसान उतार जाती है। तो मैं तो यही बेनती कर सी पातशाह कि बिछड़ी आत्मा अपने चरणा नमा स्थान बख्शी, जिन्हें भी संगत आई सारे वालों बिछड़ी आत्मा चरणा नमास बख्शी, सानू सारे भानवा कबा बख्शी, बाप का भावा कि बाप जी क्यों ना हो माता जी उन्हें कहीं भी क्यों ना हो, माँ बाप तो बच्चों छोटे लगते होंगे हैं जो सिर तो सहर जाए फिर परमात्मा की कृपा ना ही दिन कटे जाते हैं। सो मैं सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद करता परिवार वालों तुम सारे आए दुख श्री गुरु वास्ते थोड़े आने तो कटिया सारा का थोड़े आने परिवार को हौसला मिले परमात्मा कृपा कर इस परिवार से ध्यान रखी ये जो दुख मिले उन्हें जल्द बार बख्शे। गुरु माँ साहब का वाक है सामसा लिखिया दिल कर पावो तेल जो सतम सिद्धियां हो गए सह समय वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतह। कुछ दान राशि दी गई है अगर उनके नुमाइंदे यहाँ हो तो वो ले जाए या फिर वहां पहुंचा दी जाएगी। इनमें श्री परमहंस संत आश्रम गौसुरी खुबी, श्री गोलोक धाम, श्री गोविंद गौशाला खन्ना, श्री गोवर्धन गौशाला खन्ना, समाधि श्री नौतमपुरी जी, रामगढ़िया भवन खन्ना, शिव मंदिर विलेज चैना, शिव मंदिर खन्ना, इन सभी संस्थाओं के प्रतिनिधि अगर यहाँ हो तो वो विनोद जी से इस सेवा को ले सकते हैं। सेठ सांवरिया मंदिर मोगा, इनके भी प्रतिनिधि यहाँ पहुंचे हुए हैं, उनसे भी मेरी प्रार्थना है कि वो भी इस सेवा को स्वीकार करें।
स्वामी कहत हरि हर स्वामी।